जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जो कि हमारी आज की क्लास है हिमाचल ज्ञान, क्लास 1 है। और इस क्लास में सबसे पहले है हमारा टॉपिक हमीरपुर जिला। आज की क्लास जो है वो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, म्यूट कर दीजिएगा अगर किसी का अनम्यूट हो। तो आज की क्लास जो है वो है हमारी एचपी जीके की। तो एचपी जीके में आज की क्लास में हमारा है हमीरपुर जिला। ध्यान से जो है आपने बातें सुननी है, समझना है कि हमीरपुर जिले के बारे में। हमीरपुर जिला जो है ये हमीरपुर जिले का मैप है, क्योंकि तो हम जोग्राफिकली हम देख सकते हैं हमीरपुर के साथ जो सटे जिले हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं कि कांगड़ा है, उतना है, बिलासपुर है, मंडी है। ये जिले जो हैं हमीरपुर के साथ जुड़े हुए हैं। और बच्चों का जो मानना है कि सोलन सोलन बच्चों वहां से नहीं हुआ, और कांगड़ा और हमीरपुर की जो सीमा है वो बनाती है आपकी ब्यास, ब्यास रिवर जो है वो ही इसके साथ जो है बॉर्डर लाइन बना देती है हमीरपुर के साथ। ये हमीरपुर जिले की बात है कि हमीरपुर का जो गठन है, जिले का गठन वो हुआ था 1 सितंबर 1972, हुआ था 1 सितंबर 1972 को हुआ है। कुल क्षेत्रफल की बात करता हूं तो 1118 वर्ग किलोमीटर है, कितना है 1118 वर्ग किलोमीटर। और मुख्यालय की बात करूं तो हमीरपुर का हमीरपुर में ही है। और कुल गांव की बात की जाए तो ये 2011 के आंकड़े हैं, 1672 गांव बताए गए हैं। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार 407 जो है वो जनसंख्या का घनत्व है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में देखा जाता है कि कितने आदमी रहते हैं, का एवरेजेबल है। विकास खंड 6 है, साक्षरता दर सबसे अधिक 88.15 है। विधानसभा क्षेत्र 5 है। भौगोलिक स्थिति जो कि मैं पहले भी बता रहा था, इसके दाएं बाएं के जिले, ये हिमाचल प्रदेश जो है वो, ये हमीरपुर जो है हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में से, और हमीरपुर जिला जो है उत्तर पूर्व में मंडी आता है, पश्चिम और दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में ऊना है, उत्तर में कांगड़ा है और दक्षिण में बिलासपुर जिले की सीमाएं हैं। और समुन्द्र तल से ये 786 मीटर हाइट पर। अगर धाराओं की बात करूं तो हमीरपुर में 3 धारे हैं, एक झक्का, चबूतरा, कई जगह चबूतरा लिखा होता है, कई जगह छबूतरा लिखा होता है, थोड़ा सा रहता है। और 16 सिंगी धारा। सबसे पहले आ गया झकधार। झकधार जो है वो नदौन से हमीरपुर जिले में प्रवेश करती है, और हमीरपुर शहर झकधार के पूरब में ही स्थित। 16 सिंगी धार की बात करें तो बाबा बालकनाथ की आ रही है ये बात। तो 16 सिंगी धार जो है वो भी बाबा बालकनाथ साइड की है। और ये जो धार है वो सबसे लंबी धार है, 16 सिंगी धार की, हमीरपुर जिले की सबसे लंबी। इसे ऊना में जसवा और चिंतपूर्णी धार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऊना में जसवा और चिंतपूर्णी धार के नाम से जाना जाता है। नदियों की बात करते हैं तो हमीरपुर जिले में मुख्य रूप से ब्यास नदी बहती है। जैसे बताया आपको कांगड़ा और
चंबा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो है, हमीरपुर और कांगड़ा का जो बॉर्डर है वो ब्यास नदी बनाती है। अगर आप नदियों की मेन बात करें तो कोई भी नदी जो है वो हमीरपुर की नहीं है या हमीरपुर से नहीं निकलती है। वहां पे कुछ खड्डे हैं, कौन कौन सी खड्डे हैं प्रमुख है, मान खड्ड है, सीर खड्ड है, सुकर खड्ड है, ये वहां की मतलब मेजर खड्डे मानी जाती हैं। मगर बाउंड्री लाइन की बात करें तो ब्यास नदी ही एक ऐसी नदी है जो कि हमीरपुर के साथ अपना क्या बनाती है, बॉर्डर लाइन बनाती है, और ये ही सिंचाई का वहां का स्रोत भी रहती है या पानी का स्रोत ऐसा रहता है। हमीरपुर जिले का इतिहास की बात करते हैं, सबसे पहले आती है हमीरपुर स्थापना 1700 ईस्वी में आलमचंद की मृत्यु हुई थी। बाद में हमीरचंद ने कांगड़ा के शासक बने थे। तो हमीरचंद जो है जब ये शासक बने उस समय कांगड़ा जो है मुगलों के अधीन आ गया था। तो हमीरचंद ने 1700 ईस्वी से लेकर 47 तक कांगड़ा रियासत पर शासन किया, और हमीरचंद ने 1743 ईस्वी में जिस स्थान पर एक किले का निर्माण करवाया वो इस वक्त क्या कहलाया, 1743, याद रखिएगा किसने, हमीरचंद ने, ये सर्कल्स तो हमीरपुर कहलाया। और हमीरपुर किले को 1884 ईस्वी में तहसील भी बनाया गया है। इसी प्रकार से नदौड़ उनके शासन में जो है यह स्थान पर जो है 1868 में जो है तहसील मुख्यालय भी बनाया था हमीरपुर। प्रकार से सुजानपुर टीरा की बात करें, याद रखिएगा हमीरपुर जो है का मुख्य शहर जो है सुजानपुर टीरा था उस वक्त। 1748 ईस्वी में कांगड़ा के राजा अभयचंद ने जो है सुजानपुर की पहाड़ियों पर या दुर्ग पर महल बनवाए, बाद में टीरा नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। जानपुर नीचे ग्राउंड को कहते हैं, अगर आप एक बार गए हो, टीरा जो है वो ऊपर है जहाँ पे ये महल जो है वो प्रदर्शित किए जा रहा है इसके माध्यम से, जी स्लाइड्स के माध्यम से। बनचंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर में चमुंडा मंदिर का निर्माण करवाया, और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सुजानपुर टीरा को अपनी राजधानी बनाया। और राजा संसार चंद ने जो है सुजानपुर में महल मौर्य मंदिर और नंदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया है, ये भी सुजानपुर टीरा में। सुजानपुर की ही साथ चलते हैं, सुजानपुर राजा संसार चंद ने जो है ब्रिज जैसी होली खेलने की शुरुआत की थी संसार चंद ने। और सुजानपुर टीरा में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल भी स्थित, और सुजानपुर टीरा में हिमाचल का सबसे बड़ा खेल ग्राउंड भी, बहुत बड़ा मैदान है। नदौड़ की बात करते हैं, नदौड़ शहर ब्यास नदी तट पर स्थित इस स्थान पर 1687 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया था। युद्ध या ये युद्ध नादौड़ युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है जी। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने नादौड़ के पास अमतर को जो है अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, और संसार चंद ने नदौड़ के बारे में एक ही बात कही, क्या कही है सुनिए, आएगा नदौड़ तो जाएगा कौन, कि वचन जो है या बोल जो है वो संसार चंद के हैं। और राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक जेल में बंद किया था, ये भी याद रखने वाली बात है। और गोरखाओं के द्वारा जो है इसको बाद में छुड़वाया गया था ईश्वरी सेन। और नदौड़ को 1846 ईस्वी में जो है तहसील मुख्यालय बनाया गया, और यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की जो है स्थापना 2000 ईस्वी में नदौड़ में ही की गई थी।
इसी प्रकार से महल मौर्यों की बात करते हैं, हमीरपुर में या हमीरपुर के महल मौर्यों में 1806 ईस्वी में गोरखाओं ने महाराजा संसार चंद को हराया, जिसके बाद संसार चंद को कांगड़ा किले में शरण लेनी पड़ी। हमीरपुर 1806 से लेकर 40 तक सिखों के अधीन था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमीरपुर जो है वो सिखों के अधीन कब आया, तो 1806। 46 में हमीरपुर अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अंग्रेज जो है वो हमीरपुर में कब आए या उनके अधीन कब हुआ, ये याद। घूमपल एक जगह है, वहां से एक साहित्यकार थे यशपाल। बहुत बार पूछा जाता है भूमपल से में जिनका जन्म हुआ है, 1918 में जो है इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो भाग लिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक साहित्यकार है यशपाल, किस स्ट्रीम से जुड़े हैं यानी कि किससे जुड़े हैं वो साहित्यकार। नंबर दो, ये कहाँ के रहने वाले हैं, हमीरपुर के भूमपल में है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या रहता है, विक्टोरिया क्रॉस की बात कर रहा हूं मैं। हमीरपुर के एक लांस नायक है लाला राम, उनको प्रथम विश्व युद्ध में अदम्य साहस के लिए जो है विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया है। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले ये पहले हिमाचली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला है, या पहला हिमाचली कौन था जिसे विक्टोरिया क्रॉस मिला, या लाला राम जो है कहाँ के रहने वाले हैं, ये याद रखिएगा। हमीरपुर जिले का निर्माण की बात करते हो तो हमीरपुर जिला जो है 1966 ईस्वी में पूर्वी पंजाब का हिस्सा था, यानी कि ऊना ऊना जो है पंजाब में आता था होशियारपुर में। तो कांगड़ा जिले की ये तहसील के रूप में भी थे। 1966 ईस्वी में जो है हमीरपुर में वो मिलाया गया, यानी कि हिमाचल में मिलाया गया 66 में, और हमीरपुर 1 सितंबर 1972 को जो है कांगड़ा से अलग करके एक जिला बना दिया गया। 1980 में सुजानपुर और नदौन भोरंज तहसील का भी गठन किया गया था, पहले नहीं होती थी ये तहसीलें, याद रखिएगा, ये 1980 में बनी। जनसंख्या और जिले का स्थान की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में बात करें हमीरपुर की तो सबसे छोटा जिला है ये क्षेत्रफल के अनुसार, और क्षेत्रफल कितना है 1118 वर्ग किलोमीटर। और अगर हिमाचल में अगर पूरे के अनुसार अगर योगदान की बात करें तो 2.1% की योगदान है। हमीरपुर की अगर जनसंख्या की बात करें तो 8वें नंबर पर आती है, और पूरे हिमाचल की अगर साक्षरता दर बात करें तो ये 88.15 सर्वाधिक, सबसे ज्यादा पहले स्थान पर। जनसंख्या की बात करें घनत्व में तो भी सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है डेंसिटी वाइज अनुसार जो ज्यादा हमीरपुर में प्रति किलोमीटर सड़क घनत्व भी सबसे अधिक है। वैसे आपका कांगड़ा में है सड़कें, मगर घनत्व में जो है वो हमीरपुर। हमीरपुर जिला की अगर लिंगानुपात की बात करें तो 1095 तो जो कि प्रथम स्थान पर है। हमीरपुर जिले के वन क्षेत्र फल जो है वो कम है, यानी कि जंगल कम है, और हमीरपुर जिले का मुख्य रूप से जो है माल्टा, गलगल, आम, लीची, कटहल, अनार और पपीते का उत्पादन जो है वो किया जाता है। गिरोह की बात करता हूँ, गौरी शंकर मंदिर है, ये मंदिर सुजानपुर डीरा में ही स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण 1793 में संसार चंद ने करवाया था, गौरी शंकर मंदिर। नेक्स्ट आता है मुरली मनोहर मंदिर, कौन सा है, मुरली मनोहर मंदिर, ये भी सुजानपुर डीरा में ही है, और संसार चंद ने 1790 ईस्वी में बनवाया। नेक्स्ट आता है गसोता मंदिर, ये मंदिर जो है वो भी हमीरपुर में है, और ये भी हमें याद किया गसोता जगह पर ही है। नेक्स्ट आता है नंदेश्वर का मंदिर है, ये भी सुजानपुर टीला में ही स्थित है, कॉलेज के साथ में ही है,
और संसार चंद्र ने बनवाया था भगवान शिव को समर्पित है। इसी प्रकार से बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, सभी जानते हैं प्योर सिद्ध में है ये हमीरपुर में, और चमुंडा मंदिर फिर से सुजानपुर में ही है, ये भी याद रखिएगा मेन मार्केट के बीच जो बीच ही। जल विद्युत परियोजनाओं को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, और आज की ये क्लास कैसी लगी आपको जिला हमीरपुर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के लिए, तो हमारे साथ जो है अगली क्लास के ऊपर आप फॉलो करें, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल। Do 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 do